अस्सलाम असलकम नाइन और एट क्लास के लिए मैथमेटिक्स एक्सरसाइज वन पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर वन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रसे अब एक मैट्रिक्स दिया गया है ए मैट्रिक्स है इसमें एलिमेंट्स है टू थ्री ज़ीरो फाइव इसमें ये फर्स्ट रो हैं ये सेकंड रो हैं ये फर्स्ट कॉलम है ये सेकंड कॉलम है यानी टू रोस एंड टू कॉलम। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जब रो और कॉलम आपस में एक जैसा हो इक्वल हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में आपको डिफाइन किया था दैट मैट्रिक्स एंड द रो एंड कॉलम आर इक्वल

यानी टू रो एंड थ्री खानम द नंबर ऑफ रोज द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ खानम मैट्रिक्स बी एस आ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम आपस में बराबर न हो यानी एक जैसे न हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं थर्ड पार्ट है सी दिया गया है एक मैट्रिक्स है वन ज़ी जीरो ज़ीरो टू ज़ीरो 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 वन आप देखिए फर्स्ट रो हैं ये सेकंड रो हैं ये थर्ड रो हैं तो मैंने इधर लिखा थ्री तो ये फर्स्ट कॉलम है ये सेकंड कॉलम है ये थर्ड कॉलम है तो इधर मैंने लिखा थ्री तो इसका आर्डर है थ्री बाई थ्री यानी थ्री रोस एंड थ्री कॉलम है तो रो और कॉलम आपस में एक जैसे हैं यानी इक्वल है द नंबर ऑफ रोस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम कालम मैट्रिक्स सी एज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ नंबर the एक बी मैट्रिक्स दिया गया है इसमें एक एलिमेंट्स है माइनस फाइव यानी ये एक फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम है तो वन बाई वन यानी वन रो एंड वन कॉलम तो नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू तो नंबर ऑफ कॉलम दर फॉर द मैट्रिक्स बी इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ नंबर ई एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है माइनस थ्री फोर यानी ये फर्स्ट रो है इधर तो मैंने कहा वन तो ये फर्स्ट कॉलम है ये सेकेंड कॉलम है तो ये इधर मैंने लिखा टू तो ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज वन बाई टू तो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम देयर फोर द गिवन मैट्रिक्स ई इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नेक्स्ट पार्ट है E एक मैट्रिक्स दिया गया है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है माइनस वन सेवन आप देखिए ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है फर्स्ट रो ये सेकेंड रो है और ये वर्टिकल फॉर्म है ये फर्स्ट कॉलम है तो टू रो एंड वन कॉलम द ऑफ इज़ टू बाई वन नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम देर फॉर द मैट्रिक्स ई इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू दिया गया है लिखा हुआ है लेस्ट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रेस ये मैट्रस दिया गया है इसका आपने ऑर्डर बताना होगा तो ऑर्डर मैंने आपको पहले बताया था कि आर्डर क्या होता है तो रो एंड कॉलम को हम ऑफ द गट्रिक्स इस कार मैट्रिक्स अब देखिए ये हमारे पास फर्स्ट रो है ये सेकंड रो है ये फर्स्ट कॉलम है ये सेकंड कॉलम है ये थर्ड कॉलम है टू रो थ्री कालम द आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए एस टू बाई थ्री यानी टू रो एंड थ्री कॉलम अब सेकेंड पार्ट दिया गया है बी इसमें एलिमेंट्स हैं माइनस फोर देखिए फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम है तो वन रो वन कॉलम है द आर्डर ऑफ बी एस वन बाई वन लिखना होगा आर्डर का मतलब यह है कि आपने रो और कॉलम बताना होगा ऑफ द गेवन मैट्रिक्स का नंबर थर्ड सी एक मैट्रिक्स दिया गया है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है टू थ्री माइनस वन वन टू फाइव आप देख लें ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है फर्स्ट रो ये सेकंड रो है ये फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम ये थर्ड कॉलम है तो टू रो एंड थ्री कॉलम द आर्डर ऑफ सी सी क्या है एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है एस टू बाई थ्री लिखना होगा तो नेक्स्ट पार्ट है एफ है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं टू वन थ्री टू फोर माइनस वन अब देखिए ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो ये थर्ड रो तो मैंने थ्री लिखा ये फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम तो मैंने क्या लिखा टू लिखा यानी थ्री रो टू कॉलम द आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एफ इज थ्री बाई टू नेक्स्ट पार्ट है ई e दिया गया है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं थ्री टू तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम है तो मैंने लिखा वन रो एंड टू कॉलम तो ऑर्डर ऑफ ई इज वन बाई टू लिखना होगा नेक्स्ट है अब नेक्स्ट पार्ट है डी एक मैट्रिक्स दिया गया है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वन टू थ्री सिक्स फाइव नाइन जीरो 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 अब देख लें ये फर्स्ट रो है ये सेकंड रो ये थर्ड रो इधर मैंने लिखा थ्री ये फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम ये थर्ड कॉलम इधर मैंने लिखा थ्री द आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स डी एस थ्री बाई थ्री आपने लिखना होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसको ए से रिप्रेजेंट किया है इसमें एलिमेंट्स है थ्री टू माइनस फोर माइनस टू फाइव जीरो टू वन फाइव माइनस थ्री फोर सिक्स दिया गया है लिखा हुआ है गेव द फॉलोइंग एलिमेंट्स अब देखें इसमें यह है कि ये ए वन टू लिखा हुआ है ए टू थ्री ए फोर थ्री ए वन थ्री ए थ्री थ्री इसकी जगह आपने इस मैट्रिक्स में इसकी वैल्यू मालूम करना होगा किस तरह मालूम करना होगा देख लें सलूशान ये एक मैट्रिक्स दिया गया है इस पूरा मैट्रिक्स को मैंने रिप्रेजेंट करना है जनरल फॉर्म में ए वन वन यानी ये फर्स्ट रो है फर्स्ट रो में ये फर्स्ट एलिमेंट्स ए वन टू ये फर्स्ट रो में सेकेंड एलिमेंट्स ये फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करता है ये पहला वन 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 यानी ये पहला रो है ये एस के बराबर हमने लिया अब देखें फिर सेकेंड रो तो ए टू तो सेकेंड रो में ये फर्स्ट नंबर है ए टू वन सेकेंड रो में ये सेकेंड नंबर ये सेकेंड रो में रो में ये थर्ड नंबर होगा ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री सी रिप्रजेंट करते हैं फिर थर्ड रो है तो ए थ्री वन तो थर्ड रो में ये फर्स्ट नंबर है थर्ड रो में ये सेकेंड नंबर थर्ड में ये थर्ड नंबर रिप्रेजेंट करता है इसके बाद फोर्थ रो को हमने ए फोर से रिप्रेजेंट करना है फोर्थ रो में ये फर्स्ट नंबर फोर्थ रो में ये सेकंड नंबर फोर्थ रो में ये थर्ड नंबर है अब देखिए ये इस मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करना है देखना है इधर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए वन टू मालूम करना है तो देखिए ये ए वन टू तो फर्स्ट रो में ये सेकंड एलिमेंट्स हैं तो ये फर्स्ट रो में सेकेंड एलिमेंट्स ये टू है तो ये टू हमारे पास किसकी जगह है ए वन टू की जगह है तो इसका मतलब ये होगा कि ए वन टू की जगह हमारे पास टू है तो ए वन टू की विली क्या होगी आपने टू लिखना होगा फिर ए टू थ्री है तो ए टू थ्री इसमें तलाश करें ये सेकेंड रो में ये थर्ड एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करता है तो ये सेकेंड रो में ये थर्ड एलिमेंट्स क्या है जीरो है तो जीरो इज इक्वल टू ए टू थ्री यानी ए टू थ्री की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट थर्ड में ए थ्री टू तो थर्ड रो में ये सेकंड नंबर है तो थर्ड रो में ये सेकंड नंबर वन है तो वन इज इक्वल टू ए थ्री टू यानी ए थ्री टू की वैल्यू क्या होगी हमारे पास ये वन हो जाएगी फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट ए फोर थ्री तो फोर्थ रो में ये हमारे पास थर्ड नंबर है ए फोर थ्री तो ये फोर्थ रो में थर्ड नंबर हमारे पास सिक्स है तो सिक्स इज इक्वल टू क्या ए फोर थ्री आपने लिखना होगा फिर लिखा हुआ है ए वन थ्री तो ए वन थ्री है फर्स्ट रो में थर्ड नंबर फर्स्ट रो में ये थर्ड नंबर है ये फर्स्ट रो में ये थर्ड नंबर माइनस फोर है तो माइनस फोर इज इक्वल टू क्या ए वन थ्री तो मैंने लिखा है ए वन थ्री इज इक्वल टू माइनस फोर तो नेक्स्ट लिखा हुआ है लास्ट पार्ट है कि ए थ्री थ्री मालूम करना है तो थर्ड रो में थर्ड नंबर थर्ड रो में यह है थर्ड नंबर ए थ्री थ्री इधर यह थर्ड रो है ए थ्री थ्री क्या है फाइव है ए थ्री थ्री इज इक्वल टू क्या फाइव क्वेश्चन नंबर फोर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल तो इक्वल डिफिनीशन मैंने आपको पहले लेक्चर में किया था कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है दैट मैट्रिक्स हैव द सेम आर्डर दो मैट्रस हो जब दोनों मैट्रिक्स का आर्डर एक जैसा हो एंड देयर करस्पांडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर अगर इसके करस्पॉन्डें इस नंबर आपस में बराबर हो इस दोनों मैट्रस का आर्डर भी एक जैसा हो तो ऐसे मैट्रस को हम इक्वल मैट्स कहते हैं अब देखिए आपको ए मैट्रस दिया गया है बी दिया गया है सी दिया गया है डी दिया गया है तो इनमें से आपने तलाश करना है कि कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल है अब देखिए मैंने ए मैट्रिक्स एंसर लिया तो ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है टू फाइव वन थ्री तो पहले मैंने इसका आर्डर मेंशन किया कि ये फर्स्ट रो सेकेंड रो टू ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम टू दर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए एस टू बाई टू अब देखें अब तलाश करें बी मैट्रिक्स है ये भी टू बाई टू है इस तरह ये भी टू बाय टू है ये भी टू बाय टू है लेकिन साथ कंडीशन को ये भी देखना होगा कि करस्पांडेंस नंबर आपस में बराबर हो तो ये इसमें नंबर हैं टू फाइव वन थ्री तो ये हमारे पास है टू फाइव वन थ्री अगर फोर और वन को आपस में प्लस करें तो फाइव आता है तो ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं टू फाइव वन थ्री डी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है टू फाइव वन थ्री इन दोनों का अर्डर भी एक जैसा है लिहाजा ए मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स हम आपस में इक्वल कह सकते हैं अब ए मैट्रिक्स बी के इक्वल नहीं हो सकता क्यों इस वजह से करस्पांडेंस नंबर बराबर नहीं है क्योंकि इधर ये टू फाइव तो हैं थ्री भी है लेकिन इधर वन है उधर फोर है इस वन और फोर की वजह से ये दोनों मैट्रिक्स हम इक्वल नहीं कह सकते हैं अब देख लें मैंने लिया ए मैट्रिक्स टू फाइव वन थ्री आर्डर मैंने मेंशन किया डी मैट्रिक्स हैं टू फोर प्लस वन वन थ्री ये एड करें टू फाइव वन थ्री अब देखिए ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और डी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों एक जैसे हैं करस्पांडेंस नंबर बराबर है टू फाइव वन थ्री टू फाइव वन थ्री इसका आर्डर उसका भी आर्डर भी बराबर है लिहाजा हम डिफाइन कर सकते हैं कि दर्डर ऑफ द ए एंड डी आर सेम देयर करस्पॉन्डेंस इनिमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर देर फॉर ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या डी के अब दूसरा मैट्रिक्स है उनमें से मैंने बी लिया तो बी मैट्रिक्स हमारे पास टू फाइव फोर थ्री इसका आर्डर मैंने मेंशन किया है कि ये टू रो है ये टू कॉलम है इस तरह मैंने सी लिया तो सी हमारे पास क्या है ये वन प्लस वन टू आता है थ्री प्लस टू वही फाइव ये फोर वही फोर टू प्लस वन वही थ्री आता है इसका आर्डर टू क्रॉस टू है इसका आर्डर मैंने क्या लिखा टू क्रॉस टू यानी सी मैट्रिक्स बराबर है टू फाइव फोर थ्री नंबर आपस में इक्वल है ऑर्डर भी आपस में एक जैसा है तो हम कह सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ बी एंड सी आर सेम देयर करस्पान एलिमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर देयरफॉर द मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू क्या सी के यानी ए एवर डी आपस में बराबर है बी ओवर सी आपस में बराबर है तो ए जो है ना ये सी के बराबर नहीं हो सकते हैं ये बी जो है ना डी के बराबर नहीं हो सकते क्योंकि ऑर्डर तो बराबर है लेकिन करस्पान नंबर आपस में बराबर नहीं है क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स दिया गया है कि लेट ए टू माइनस थ्री यू जीरो एंड बी मैट्रिक्स दिया गया है वी माइनस थ्री फाइव डब्ल्यू नीचे लिखा हुआ है फॉरबर्ट वील्यू ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू एफ़ ए एन बी आर इक्वल यानी अगर ए और बी हम इक्वल फॉर्म में हैं, देन वट विल बी द वैल्यू ऑफ यू वी एन डब्ल्यू तो यू वी एंड डब्ल्यू की जगह कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं अगरचि आपको ज़ाहिर इक्वल नजर नहीं आते हैं, क्योंकि इधर हमारे पास क्या है ये टू है इधर लेखा हुआ है वी क्योंकि हमने पहले डिफाइन किया है क्या कि रिस्पॉन्डेंस नंबर बराबर होने चाहिए लेकिन उसने दिया गया है एफ़ लिखा हुआ है यानी कंडीशन दिया गया है अगर ये दोनों आपस में हम बराबर लिखें बराबर है ही नहीं अगर हम बराबर लेके तो मैंने ये ए मैट्रिक्स लिखा ये मैंने बी मैट्रिक्स लिखा है इसका आर्डर उसका आर्डर बराबर है क्योंकि ये टू रो एंड टू कॉलम टू रो एंड टू कॉलम है आर्डर तो बराबर है अब देखें दोनों क्या है इक्वल भी है तो थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है जब आर्डर भी एक जैसा है एन के दरमियान ये इक्विलिटी है तो थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि करस्पांडेंट्स नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं थर्ड कंडीशन ऑलरेडी इस पर अप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये और ये एक जैसे हैं और इनके दरमियान इक्वलिटी दिया गया है लिहाजा करस्पॉन्ड इस नंबर बराबर हो सकते हैं द अडर इज सेम दर करस्पॉन्ड इलिमेंट विल बी इक्वल टू ईच अदर लिहाजा ये वी है ये माइनस थ्री है तो माइनस थ्री किसके बराबर होगा ये वी की जगह होगा तो माइनस थ्री इज क्या वी के तो इसे वी विलो हमारे पास माइनस थ्री हो सकता है ये यू है तो यू वील्यू हमारे पास फाइव हो सकते हैं इस तरह ये ज़ीरो हैं ज़ीरो की जगह हमारे पास क्या है डब्ल्यू हैं तो डब्ल्यू इज एक टू क्या ज़ीरो के लिहाजा ये यू वी एन डब्ल्यू ये इसकी क्या है इसकी वेल्यू है एलिमेंट्स हैं तो नेक्स्ट तो, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट तो क्वेश्चन हल करूँगा और नेक्स्ट डिफिनीशन आपको मैं बताऊँगा नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए और साथ एक दो क्वेश्चन और भी हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा बजद असल